What was your feeling when you saw Deepika at JNU yesterday, with standing in sort of solidarity with Aishik Ghosh, who was brutally attacked recently, and with the JNU students? मेरे हिसाब से ये बहुत वायलेंस बहुत ऑफुल होती है, एंड जिस तरीके से ये हमारे देश में अभी ये चल रहा है, ये माहौल चल रहा है, आई रियली कांट बिलीव इट कि ऐसा कुछ हो रहा है. एंड एंड ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट व्हाट दीपिका डिड यस्टरडे, एंड आई होप दैट अ लॉट ऑफ पीपल वुड स्टैंड अप, अ लॉट ऑफ सिटीजन शुड कम अहेड एंड टॉक अबाउट इट, एंड एंड स्ट्रिक्ट एक्शंस आर नीडेड. जिस तरीके से ये चीज़ हो रही है, इट्स नॉट, ये हमारी कंट्री नहीं है जहाँ पे ये सब होना चाहिए. एंड आई रियली रियली विश एंड रियली होप कि जैसे मैंने कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए. यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रिक्ट एक्शन पार्ट, बट सैडली नो अरेस्ट हैव बीन मेड, पीपल आर देयर ऑन कैमरा. आई सॉ द वीडियो, एंड जिस तरीके से वो कैंपस में घुस के हो रहा है, या फिर जो इनका वीडियो था जिसमें अगेन इट मेक्स यू आशिक घोष वीडियो हेड ब्लीडिंग, या हेड ब्लीडिंग, एंड आई थिंक ये माहौल बहुत गलत है, एंड ये एक्शंस लेना बहुत जरूरी हो गया है, एंड इनके बारे में इन सब चीजों के बारे में बात करना बहुत जरूरी हो गया है. आई थिंक ये जो भी है वो गलत है. यू आर सेइंग दैट इन सब चीजों के बारे में बात करना जरूरी है, एंड all across the world Bollywood is being praised right now because a lot of your colleagues and peers, they have stood up, they are expressing themselves, they are not afraid of trolling and all those things which happens many a times. It is I think no one should be afraid of anything. I think more than anything, as a citizen, hum sabko, we should stand up for it and we should speak about it, and that is what is happening now. So I think kahin na kahin sab is cheez ko lekar बहुत अंदर गुस्सा भरता जा रहा है, एंड 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 कहीं ना कहीं अब हम सब लोग आगे आके बात करते हैं इस बार. थैंक यू सो मच.